इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक और ब्रेकिंग खबर, बेलगाम जिला कर्नाटक में दूसरे नंबर पर पॉजिटिव मरीज। बहुत अफसोसनाक खबर, कह सकते हैं कि आज एक ही दिन में 22 पॉजिटिव मरीज हासिल होने से एक बार फिर बेलगाम जिला सुर्खियों में आ गया। लॉकडाउन खुलने के बाद तकरीबन 36 अफराद नेगेटिव हुए तो तकरीबन 25 को डिस्चार्ज भी किया गया। बरोज जुमा कुल 11 पॉजिटिव मुतासिर मरीज पाए गए थे, जिसमें एक तरह का सदमा कह सकते हैं, जिससे कुल तादाद 85 तक पहुंची थी। पर आज इतवार को फिर से अचानक 22 पॉजिटिव मरीज पाने से बेलगाम जिला में खतरा बढ़ते नजर आ रहा है। इन 22 मरीजों के साथ बेलगाम की कुल तादाद 100 के पार पहुंच चुकी है। सुबह हेल्थ बुलेटिन के जरिए 22 पॉजिटिव मुतासरीन की तादाद ने रियासत कोरोना अपडेट में दूसरे नंबर पर पहुंचाया। अब बेलगाम बेंगलुरु के बाद है, बढ़ती तादाद इंतजामिया मेडिकल अफसरान की फिक्र में इजाफा करता दिखाई दे रहा है। क्या बात है, क्या आखिर बेलगाम जिला में मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है, खासकर शहर के अतराफ कहिए या तालुका में कोरोना मुतासरीन की तादाद सोचने पर मजबूर करती है। आज जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, चिक्कोड़ी, हुक्केरी, निपानी, संकेश्वर से होने की बात कही जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक अजमेर घूमने गए कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से अजमेर में ही फंसे रहे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, राजस्थान हुकूमत से इजाजतनामा लेकर कर्नाटक पहुंचे तो कर्नाटक कोगनोली नाके पर इन्हें क्वारंटाइन किया गया। इनका टेस्ट किया गया, जिसमें तकरीबन 22 अफराद पॉजिटिव पाए गए। एक अच्छी खबर यह भी कह सकते हैं कि तमाम पॉजिटिव सीधे क्वारंटाइन पहुंचाए गए, जिससे दूसरे मुतासिर होने की गुंजाइश नहीं रही, जिसके लिए बेलगाम इंतजामिया मेडिकल अफसरान, डीसी बेलगाम, तमाम के तमाम काबिले मुबारकबाद है। बेलगाम डीसी एसबी बम्मनहल्ली ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि तकरीबन 38 अफराद अजमेर तफरी के लिए गए थे, 17 मार्च को राजस्थान गए थे और 3 मार्च को कोगनोली नाका पर पहुंचे। इन्हें मोरारजी हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया है। 38 में से 22 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, दिगर नेगेटिव हासिल हुए हैं, यानी किसी फर्स्ट कॉन्टैक्ट या सेकेंड कॉन्टैक्ट का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा तमाम अफराधों को क्वारंटाइन किया गया और जल्द नेगेटिव भी हो सकते हैं। पर सवाल यही उठता है कि ना सिर्फ बेलगाम जिला बल्कि पूरे मुल्क में बढ़ती तादाद का हल क्या है और नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या आज भी मुकम्मल टेस्ट किट हमारे पास है? क्या भारत जैसे घनी आबादी वाले मुल्क में कितने तेजी से मामले बढ़ रहे होंगे जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है? कितने लोग पॉजिटिव मुतासर होंगे जिनका आज भी टेस्ट नहीं हुआ है और बाजारों में घूम रहे होंगे? क्या हुकूमत ने लॉकडाउन के जरिए कुछ पाया है या खोया है? जैसा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि जून जुलाई को कोरोना का जबरदस्त उरूज भारत में होगा, तो क्या हुकूमत हिंद यानी मोदी सरकार इस आलमी वबा से निपटने के लिए तैयार है? अगर और लॉकडाउन किया गया तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा? कहीं मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे तो लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया? लॉकडाउन के फैसले ने तमाम शोबों को मुश्किल में तो नहीं डाला? कई सारे सवाल हैं। आज भी लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, सैकड़ों मर चुके हैं, कुछ मरने की कगार पर हैं। लॉकडाउन के दौरान घरों में झगड़े, मियां बीवी में, बच्चों में तनाव के मामलों में उछाल पाया है। एक रिपोर्ट है जिस पर यह रोशनी डालता है कि घरों के मामलों में भी तनाव का मामला बढ़ चुका है। कहने का मतलब यह है, क्या आइंदा के लिए हुकूमत के पास कोई रद्द अमल भी है? सिर्फ इटली अमेरिका से हमारे यहाँ लोग कम मर रहे हैं यह कहने से मामला खत्म हो जाता है क्या? क्या वैसे तो विपक्ष ने कई सवाल उठाए। पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए है, जिसका ऑडिट करने की बात कही जा रही है, तो मजदूरों से पैसे लेने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मईशत अब सिफर से भी नीचे जाती दिखाई दे रही है। क्या भारत जैसे मुल्क को मजीद लॉकडाउन को बर्दाश्त करने की ताकत है? बेलगाम बाजार में भी लोगों की भीड़ भी काफी कुछ बयां करती है। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को भी ख्याल नहीं है। हीरे बागेवाड़ी जैसे छोटे गांव में 50 के करीब पॉजिटिव मरीजों का मिलना किसी की नाकामी है। क्यों मुकम्मल सील डाउन नहीं किया जा रहा है? आज भी कुछ लोग अतराफ में जाकर शराब की बोतलों को लाने का काम जारी रखे हैं, ऐसी खबर भी हासिल हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि रमजान की खरीदारी के लिए लोग बाहर नहीं निकल रहे। मुस्लिम माशरे की मुख्तलिफ तंजीमों ने ऐलान किया है कि इस बार ईद सादगी से मनाएंगे और वही पैसा गरीबों मिस्कीनों में बतौर इमदाद दिया जाएगा, जिसका असर भी आजकल नजर आ रहा है। लिहाजा चरमरा कर गिरी मईशत, भुखमरी से मरते लोग अपने घरों की तरफ पैदल चलते दम तोड़ते दिहाड़ी मजदूर और सब कुछ ठीक कहने वाली मोदी सरकार सिर्फ ट्विटर पर ही ज्यादा सरगर्म नजर आती है। पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते मामलों को किस तरह काबू में हुकूमत लाएगी, यह एक चुनौती भरा काम रहेगा।
जिससे बखूबी हुकूमत निभाती है या मीडिया के जरिए से भी हिंदू मुस्लिम कहकर असल मुद्दों को बगल दिया जाता है, यह वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।